हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइका। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 3 रुपए 15 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 4.5% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं एक महीने में देखें तो 13%, 3 महीने में 5%, 6 महीने में 36% और 1 साल में 60% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में लगातार देखें तो ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 420 रुपीज। 420 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में अब एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और इस स्टॉक का नीचे का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा अराउंड 110 रुपीज। 110 रुपीज अब इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पर इस स्टॉक में देखिए तो लगातार स्टॉक का एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक लगातार एक गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप 110 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ 135 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। पर इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजिशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।